स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमीरपुर के डीआरडीए भवन में पहली त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर जिला भर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आगामी दिनों में होने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। तो पिछले 5 सालों में 27 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिला है, जिसमें 29 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च कर दिया गया है। वर्तमान में 6 विकास खंडों में से 4 विकास खंडों में क्लस्टर आधार पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने का निर्णय लिया गया है। हमीरपुर जिला में सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए 20 नवंबर से पहले शिलान्यास करवाया जाएगा, ताकि हमीरपुर में सॉलिड वेस्ट के लिए स्थान मिल सके। जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में हमीरपुर जिला में बेहतर काम किया है और आगे भी बढ़िया काम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला के सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए काम हुआ है और कई पंचायतों में जमीनी विवाद के चलते काम रुके हुए हैं, और ऐसे मसलों को भी जल्द निपटाया जाएगा। ग्रामीण की या इस वर्ष की प्रथम त्रैमासिक बैठक थी, और इस बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चाहे वो सूप पिट्स का था या कम्युनिटी टॉयलेट्स का था या दूसरे हमारे जो क्लस्टर्स कम्युनिटी बेस्ड जो बनते हैं उसके ऊपर चर्चा की गई। और हमीरपुर जिला को पिछले लगभग 5 वर्षों में 27 करोड़ रुपया मिला, और 27 करोड़ में से हमने लगभग 20 करोड़ 52 लाख रुपया खर्च किया। और अभी हमने एक नई प्रपोजल, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट 6 विकासखंड है, 6 विकासखंडों में से 4 विकासखंडों में क्लस्टर बेस्ड जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी हमने बनाने हैं, उसके ऊपर आज इस पर चर्चा की है। और हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि 20 नवंबर 2020 से पहले पहले हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखना है, ताकि हमारा जितना भी सॉलिड वेस्ट इधर उधर फेंका जाता है उसको एक जगह एकत्रित की के वहीं उसको ये किया जाए, डिस्पोज किया जाए सारा। इस पे आज ये चर्चा की है, और इसमें सबने ये पारित किया है कि जिस दिन भी फाइनल डेट्स हमारे पास आ जाएगी वीडियो से सबसे 20 से पहले पहले, उसी दिन हम माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री से आग्रह करके उसका फाउंडेशन स्टोन रख देंगे। इसके साथ साथ हमीरपुर जिला ने स्वच्छ भारत मिशन में पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है, और उसी का परिणाम है कि हमारा जो गंदगी लेवल है बहुत कई जगह बहुत कम हुआ है। कई जगह 12 पंचायत की हैं, कई जगह 10 है, कई जगह ब्लॉक भी हैं। जैसे अब सुजानपुर छोटा ब्लॉक है, अभी सुजानपुर का वैसे फाइनलाइज हुआ नहीं, लेकिन सुजानपुर में एक ही जगह उसमें ये करेंगे हम साइट्स का सिलेक्शंस करेंगे, लेकिन बाकी विकास खंड जितने भी हैं बिजड़ और सुजानपुर में भी फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन बाकी 4 जगह फाइनलाइज हो गई है, और उन चारों को 4 पैसा भी यहां के माध्यम से आवंटित कर दिया गया है। नहीं, हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट से बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे बेटर हो, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लैंड डिस्प्यूट्स फंस जाते हैं। कई जगह जो लोगों ने मकान बनाए हैं, जैसे हम बमसन का एरिया लें या भोरंज का कुछ पार्ट ऐसा है, या हमीरपुर की कुछ एक ऐसी पंचायत है कि लोगों के पास उतनी उतनी जगह थी तो वहाँ पे उसको बनाना संभव नहीं था, तो वही पैसा वंचित हमारे पास पड़ा हुआ है। अदरवाइज हमारा जो पैसा था जितना जितना उनको अलॉट्स हुआ था वो सारा पैसा खर्चा गया है।